बोले भारत के सबसे खतरनाक बॉडी बिल्डर्स में से एक है, जिन्होंने अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आकर्षक बॉडी बनाई है। नहीं नहीं, हमें तमीज से काटना है। ये क्या? यस। हाँ भाई। बोलो ब्लॉग में चलो क्या? हैप्पी बर्थडे रान भाई। थैंक यू मेरे भाई। हैप्पी बर्थडे। घर वाले मारेंगे क्या तेरे? हैं? घर वाले मारेंगे क्या? क्यों? केक काट दिया तो? गाली लिखी है। शिराज व्लॉग्स। स्पेलिंग सही लिखी है यार। अबे जे बनाया था बिहारी ने। भाई नहीं बनाना, मुझे ब्लॉग में डालनी है। चिराग ने नोट तो है यार। हमारा केक तो कटा हुआ है। एक मिनट में कहा जा रहा है हमारा ठीक है। वो आ रही है वो आज पैक नहीं आ रहा। वो नाम लेकर चिराग ओ चिराग खोलेंगे इसके दरवाजे खुले हुए डाल गया था पता खुली है। अल्लाह का स्प्रेड है भाई। आपको लगा था वो नहीं। चिराग ब्लॉग चिराग ब्लॉग चिराग ब्लॉग चिराग ब्लॉग चिराग ब्लॉग मैं बंद मत करना अभी ये भी आता है। ये क्या बदतमीजी है? इतनी बुरी तरह शिकंजा मारा है केक पे, गांड मार दी केक की। और ये केक यार ऐसा मत बोलो, जुएब भाई देखते हैं यार। जुएब भाई के देखने से डिसलाइक भी आते वीडियो। लाइक ही नहीं आ रहा आजकल तो यार। मैं भी खा लूं। कोई खाने नहीं दे रहा मुझे, पता नहीं क्या हो रहा है। केक खत्म। अच्छा लग रहा है, पैर नहीं निकालो खा लो। केक ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। तो पैक करते हैं। इन्होंने इतना अपना केक नहीं खाया था। तो ये ज्यादा अच्छा, वो हैवी था यार, वो बहुत भारी था। क्या बोल रहा? बहुत भारी था यार वो। केक भारी था, हीट थे उसके अंदर। टेस्टी था मगर भारी था। अरे तुम्हें लगेगा भाई ये डायलॉग था भाई साहब। यार क्या हुआ हमें यार? अरुण भाई तुम्हें क्या हो गया? ये तो फ्री का मिलता भाई। ओ गाइस कांग्रेचुलेशंस, आज मैं पैदा हो चुका हूँ। सो गाइस आज है तुम्हारे भाई का बर्थडे, मतलब मेरा, और बहुत खुशी सी हो रही है। तो इतना मैंने कुछ प्लान नहीं करा था, बट अभी जैसे आपने देखा कि केक कट हुआ जिम में, भाइयों ने कर दिया था। सो बहुत अच्छा लगा। एंड अब चलते हैं जल्दी से रेडी होके बाहर कहीं। अभी मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जाऊँगा क्या नहीं, बट चलते हैं बाहर। चश्मा सही लग रहा है, मैं लगाता नहीं था बट सही लग रहा है। सो कुछ प्लान ऐसा अभी है नहीं, बाहर जाके पता चलेगा कुछ प्लान है या नहीं। अभी मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, डाइट वगैरह सब ले ली है, क्योंकि हम चल रहे हैं गेनिंग पे। अभी मेरी गेनिंग, कुछ लोग पूछ रहे थे भाई गेनिंग कब तक करोगे, तो भाई अभी एक दो महीना और करूँगा गेनिंग, एंड उसके बाद कटिंग करेंगे। सो अभी मैं ऐसा हो रहा हूँ उबला हुआ आलू जैसा। मैं कल ना फोटोशूट पे गया हुआ था, एंड मेरे फ़ोटोज इतने गंदे आए हैं ना, इतना मोटा मुँह आया था मेरा उस फोटोज़ में। एंड
जब यार गेनिंग पे कुछ दिल नहीं चाहता फोटोज वगैरह का, इसलिए क्योंकि बहुत ही मोटा आ रहा था मैं। सो अब चलते हैं हम कहीं बाहर, अभी समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएंगे। और मैं तो पहली बात, मैं कपड़े भी नहीं लाया, मैं क्या पहनूंगा अपने बर्थडे पे यार। अब तो कपड़े तो बहुत सारे हैं बट फिर भी कपड़े हैं मेरे पे, भूल गया था मैं, टेंशन है। स्टार ब्लॉक्स अमरीका का था वैसे यार। आप लोग बताओ, मैं ना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में ऐसा करूँ कि मैं पूरे व्लॉग में ना इंग्लिश बोलूँ, हिंदी ना बोलूँ, फिर भाई साहब तुम लोगों की ना हंसी नहीं रुकेगी मेरी इंग्लिश सुन के। सो आप बताना मैं ये करूँ या नहीं, पूरे व्लॉग में ओनली इंग्लिश, आई एम ओनली टॉकिंग इन इंग्लिश इन फुल व्लॉग एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एंटरटेन यू गाइस। अमरीका का दलाल बहनचोद, ओह माय गॉड, देखो अच्छी तो है। सो यार जल्दी से चलते हैं एंड मैं रेडी होता हूँ। उससे बाद मैं हो चुका हूँ रेडी, 2 घंटे हो गए मुझे, अब हो चुका हूँ मैं लिमसी खा रहा हूँ यार। तो अब मैं हो चुका हूँ रेडी एंड जल्दी से निकलते हैं घूमने चलते। हाय ब्रो, हाउ आर यू? आओ जल्दी आओ। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने दोस्तों के साथ और हम जा रहे हैं अब कहीं बैठक बनाने अपनी, और अभी कुछ प्लान नहीं है, मतलब कहाँ जाएंगे अभी ढूंढ ही रहे हम, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। भाई नहा लेना, जब खुजली हो रही है तो। अबे जूता पहले मुंह धो दे। सो गाइस हम आ चुके हैं, मतलब अभी लग रहा होगा मैं बिल्कुल टेरिस पे खड़ा है, लग रहा है घर की टेरिस पे खड़े हैं, बट ऐसा नहीं है। हम आए हुए हैं एक लॉन्च में, रास्कल नाम है यार, गाने बज रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। सो अब चलते नीचे, हम फोटो क्लिक करने के लिए ऊपर आए थे। डाइट यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, ये हमारा तंदूरी प्लेटर आ चुका है, ये भाई पियेंगे, ये भाई पियेंगे और ये हुक्का हम पियेंगे इसके साथ। वाशा भाई क्या, मैं तो भूल गया था वाशा भाई। तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम शिराज व्लॉग्स के साइड में बैठे हो? तेज बोल फीलिंग आ रही है अच्छी। हाँ भाई बढ़िया है ना, वीआईपी वाली फुल। सर आपको कैसा लग रहा है कि आपने कभी सोचा था सिराज व्लॉग के साइड में बैठा है? मैंने तो भाई बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं सोचा था। देख दो इतना अच्छा लग सकता है, मतलब फुल कैसे यार, कैसे साइड में बैठो आप मेरे, खुश नसीब हो आप। ये मुझे कट करना पड़ेगा जो इन्होंने बोला है, वो मैं सुना नहीं सकता आपको। बड़े दिल से तारीफ करी इन्होंने मेरी, तो वो मैं सुना नहीं सकता। गाइस फाइनली हम 4,000 रुपये पानी में उड़ा के आ चुके हैं, और जब बिल आया तो मेरा दिल अजीब सा हो गया। पहले सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बिल आते ही दिल टूट गया गाइस। गाइस क्या करेंगे गाइस, बट कोई नहीं, कभी कभी चलता है गाइस। ये तो ये हो रहा, मेरे व्लॉग से तुम्हें क्या टेंशन होती है, है? मेरे व्लॉग से ना बहुत टेंशन होती है ब्रो, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। आगे, आगे, आगे। आराम से एक मिनट। वो सो गाइस अब देखते हैं सबवे है या कहीं और चलेंगे, क्योंकि पेट नहीं भरा अभी, चलते हैं। पानी की बोतल उठाने में शर्म आ रहा था यार, ये कौन, ये मैं तो खाना भी ले आता हूँ। कह रहा है तुम उठाओ ना। मैं ना भाई पैसे दिए 60 रुपए इसके। ओ ब्रॉस गैस, बस भाई लगा लो सीट बेल्ट एंड चलते हैं। लगा ले भाई, अब वहां से अब हम आए पिज्जा हट पे, सब वे नहीं गए हम सीधा जा रहे पिज्जा हट, और आगे साहिल खान जा रहे। ओह माय गॉड, देखा खुद गेट खुलता है भाई इनके लिए, तो हमारे लिए नहीं खुलता।
हमारा पिज्जा हट भी मतलब कैंसिल हो चुका है। हम अभी अब हम जा रहे हैं डोमिनोज, क्योंकि पिज्जा हट में हमने पूछा उनपे वीट बेस नहीं था, सो उस लिए अब हम जाएंगे डोमिनोज, वहां पे खाएंगे पिज्जा। इसका चश्मा रहे हो बर्फ क्यों पड़ रही है वहां? साहिल खान इन द हाउस। वो लोग ठस्सा खा गए एकदम से जब हम पिज्जा, क्योंकि मैं जब गया था ना, मैं पहले पूछ के आ गया पिज्जा हट में कि भाई वीट बेस है उनके पास, तो कह रहे हाँ है। फिर जब हम सारे चले गए तो एकदम से चार सारे इकट्ठा हुए कि सर हमारे पास नहीं है, ये भरम है मेरा, है भाई मेरी वजह से भरम में आ गए थे वो लोग। भाई सब सुबह से टॉयलेट रोका हुआ था मैंने, और अब जाके फ्रेश हो, हमें डोमिनोज के डिंग, हाँ हमें डोमिनोज के टॉयलेट में, सो चलते बाहर। फ्लैक्स करना जरूरी है सर, एमसी स्टैंड के फैन हो ना आप? तुम गाते नहीं उसका हस्ती का वास्ती ब्रो। सारे नकली नोट एक भी असली नहीं है। पैसों की कमी है क्या मेरे पास? पैसे ना यू रखता हूँ पैरों में। पैसे में बारिश कर दूं पैसे। इजार भाई ले सोडा के पैसे। इजार भाई से सोडा मंगाया था हमने, ले भाई कितने 2100 रुपए पकड़ो भाई। ठीक है। वो गुंडे लग रहे हैं ऐसे लेटे हुए पैसों के पास। इस फाइनली हम आ चुके हैं घर पे, ठूस ठूसा के सारा जो भी था मैंने तुम लोगों को दिखा दिया है, और मज़ा आया जैसा भी था। अभी और भी होगा घर पे जाके कुछ ना कुछ, तो वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा या बता दूंगा। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हंसा रहा यार मुझे साइड में से, इसलिए मुझसे बोला नहीं जा रहा था। और सही लग रहा था यार वैसे आज मैं, वैसे ये टी शर्ट मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट करी थी, सो फ्लैक्स। अभी वैसे गेनिंग है इतना कुछ सही नहीं है, बट साइज सही हो रहा है मेरा, मेहनत सही चल रही है। बट आज चीट हुआ है बहुत ज़्यादा, एक महीने बाद मैंने पिज़्ज़ा खा लिया और एक सैंडविच की दो स्लाइस एक सैंडविच की दो स्लाइस खाई थी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, एक सैंडविच की दो स्लाइस खाई थी और बादशाह भाई देर। सो अब जल्दी से चलते हैं घर पे, एंड मैं दिखाता हूँ बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है भाई। अबे खड़ा क्या है, 500 रुपए दे, बर्थडे मेरा भाई। अभी ज्वाइनिंग करा मैंने 1 मार्च से, तो आप 2 अप्रैल को बात करना मुझसे, 2 अप्रैल को 500 के तुम 1000 रुपए लेना। 2 अप्रैल का भी आएगी नहीं भाई, आएगी अगले महीने आएगी इंशाल्लाह, पूरे के पूरे तुझे 1000 रुपए दूंगा मैं। नहीं तुम मुझे सिर्फ 500 रुपए दे देना, वही बहुत है। चल 500 रुपए ले लियो, और बता 500 रुपए ही वहां लगा देता हूँ 2 मिनट में। हाँ तो देना, जल्दी दूंगा। हाँ ठीक है।